नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। स्वागत करता हूं आप सभी का बैंक की इस क्लास में जो आईबीपीएस क्लर्क प्री के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। दोस्तों, रोज 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 अब मेरी मुलाकात होगी 8 से 9, और यहां जो भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, यहां पे हरीश कुमार ओझा जी जुड़ चुके हैं, मोदी का बाबा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत पुराना स्टूडेंट है, स्वागत है भैया मोदी जी। यहां पे अनन्या कपिल तिवारी साहब जुड़ चुके हैं, शिवम तिवारी, मैक्सिम लोग यहां मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का आगाज एकदम शुरुआत से एक एक चैप्टर लेके चलूंगा। यहां पे लगातार मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि एक एक चैप्टर में लेके चलूंगा। अभी मिसलेनियस कुछ नहीं, एक एक चैप्टर लेके यहां पे चलूंगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आज मैं पढ़ाने वाला हूं, कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सी लॉग, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल, सब कुछ यहां पे मैं लेके चलूंगा। लेकिन एकदम शुरुआत से एकदम टेंशन नहीं लेना, सिर्फ सुनते जाओ, 8 से 9 केवल लाइक एंड शेयर ठोकते जाओ, अब जल्दी से ज्यादा लोग जुड़ जाओ। और आज हम करेंगे रीजनिंग का आगाज एकदम शुरुआत से, दोस्तों याद रखना, और एकदम 0 से 100 पढ़ाते पढ़ाते ले चलूंगा। एकदम 50 दिन का समय है, यानी अभी एग्जाम में 50 दिन है, और इस 50 दिन में गारंटी लेता हूं कि आपके 100% मार्क्स आएंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन का जवाब आप सभी दे लेंगे। द वेरी गुड इवनिंग आदर्श मालविया, शिवम तिवारी, कविता जैन, सभी का स्वागत है। दोस्तों, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर को मद्देनजर रख के मैं चैप्टर वाइज जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन दोस्तों मेरा एक तरीका है पढ़ाने का, मैं चैप्टर वाइज जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन चैप्टर में प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है याद रखना, प्रीवियस ईयर, जैसे मान लो मैं अल्फा न्यूमेरिक पढ़ा रहा हूं, तो अल्फा न्यूमेरिक में जितने भी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो सारे मैं यहां पे कराऊंगा। तो जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोक दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। और दोस्तों, एकदम तगड़े तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आज सेशन के आगाज करने जा रहा हूं। तो चलिए, प्रीवियस ईयर पेपर भी मद्देनजर रखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं लकी आज क्या थॉट ऑफ द डे लेके आया है। रोज की तरह लकी आज फिर कुछ ना कुछ थॉट ऑफ द डे लेके आया है। किसी ने बड़ी सही बात कही है, बड़ी प्यारी बात कही है किसी ने, कि एक इंसान दो चीजों से बनता है मेरे भाई, एक इंसान दो चीजों से बनता है, एक तो किस्मत और दूसरा मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होती नहीं। बताओ मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। दोस्तों, किस्मत सबकी नहीं होती और मेहनत सबसे नहीं होती, लेकिन बस मेहनत नहीं करना, हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। दोस्तों, स्मार्ट वर्क में मेहनत करनी है, और स्मार्ट वर्क अगर सीख गए तो गारंटी लेता हूं, शिवम तिवारी भैया, अनन्या, गौरव प्रजापति, विकास, बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूं कि तुम पागल की तरह बोलने लगोगे कि सर रीजनिंग कुछ भी हो, रीजनिंग गलत होता ही नहीं है। यहां पे मेंस का मेरा एक बैच आने वाला है, Y272 मेरा कोड है, केवल ये कोड लगाना, ये मेरे मेंस का बैच आता है। लेवल किसे कहते हैं, अगर आना हो तो लोग कहते हैं ना, आओ कभी हवेली पे, तो लेवल अगर आपको देखना हो तो कभी कभी मेरा मेंस का बैच ज्वाइन कर लेना। सिटिंग की वो ट्रिक बताऊंगा कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा कि सर अब मेरा सिटिंग कोई गलत नहीं करा सकता। पजल, बाप रे बाप, 40 सेकंड में कैसे सॉल्व होती है यह मैं आपको बताऊंगा। मशीन इनपुट जिसकी ट्रिक आप हमेशा देखने के लिए परेशान रहते हो, सर मशीन इनपुट की ट्रिक क्या होती है, तो मैट्रिक्स एट्रिक्स की जो भी मशीन इनपुट की ट्रिक है वो मैं यहां पे बताऊंगा। ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरी समस्या है कि मैं इस पे हाई लेवल ही बताऊंगा और एकदम दिल खुश हो जाएगा। तो रीजनिंग मेंस बैच फॉर आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और क्लर्क के मेंस का लेवल देखना है क्या होता है, दिल खुश कर देने वाला बैच होगा। तो यहां पे जो भी रेट देखना उसमें Y272 कोड लगा देना है, 272, यानी ये कोड आप भूलोगे भी नहीं, 272, अपने अतुल सर का, अपने भाई का, 272, केवल Y272 कोड लगा देना। याद रखना, 8000 का भी पैक होगा तो 600-700 रुपए में पा जाओगे, 800 रुपए में पा जाओगे, इतना कर्रा डिस्काउंट चल रहा है, एक बार जाके देख लेना। तो चलिए सेशन का आगाज करते हैं, आओ कभी हवेली पे, आओ कभी दिखाता हूं कि कैसे कैसे सेटिंग और पजल ये सब चीजें मैं कराता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एसएससी भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा, डोंट वरी दोस्तों। बस एक काम करो, पहले सेशन को शेयर करो यार, ऐसे मजा नहीं आता, सेशन शेयर करो, फिर मैं आज शुरुआत करता हूं किसकी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की। एकदम शुरुआत से बताऊंगा कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आज क्या पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पे मैं बता दूं कि यहां पे आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ने के से पहले ये देख लेना, ये एक औपचारिकता है, जैसे होता है ना, एक तहजीब है कि अल्फा न्यूमेरिक
न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट, अगर ये तीन टॉपिक आपको पढ़ना है तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ये याद है सबको, उनको पता ही नहीं होता कि हमको याद है। जैसे मैंने पूछा पी कितने पे, बोल दो 16 पे, मैं बोला आर कितने पे, बोल दो 18 पे, मैं बोला एस कितने पे, बोल दो सर 19 पे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कितने लोगों को ये याद है, जेड तक ये कितने लोगों को याद है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितने लोग हैं जिनको ये प्लेस वैल्यू याद है। दोस्तों एक से लेके ये 5 तक तो दुनिया को याद होता है, पीछे का एक्स वाई जेड कहते हैं ना, कोई भी एक्स वाई जेड आ जाए हम समझ लेंगे, आ जाए कोई भी एक्स वाई जेड, तो पीछे का 24 25 26 और ए का 2 बी का, ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4 ई का 5, ये 5 शुरू के याद है सबको, किसी फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को भी याद है, और पीछे का 3 ये भी याद है, यानी 5 3 8 तो आपको सूखा सूखा याद है, और 26 में से 8 निकल गया यानी 18 प्लेस वैल्यू आपको याद करनी है। और टेंशन नहीं लेना, इसको ढक ढक के याद नहीं लेना, जैसे केमिस्ट्री में नहीं याद करते थे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम, इस तरीके से याद नहीं करना। मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि तुमको याद हो जाएगा कि एच 8 आर 18 एस 19 वी 22 यू 21 और के 11 जे 10 एफ 6, एकदम रट जाएगा, एकदम रट जाएगा, ये मेरी रिटेन गारंटी। बहुत महेश चंद जी को याद है, राहुल बी, शिवम तिवारी, तानी शाह, हरीश कुमार ओझा साहब, राहुल बी, सभी को याद है भैया, बहुत ही शानदार। अब यहां पे प्लेस वैल्यू याद करने का जो तरीका है, मैंने दोनों लिखा है, पहले बहुत सी किताबों में एजोटी लिखा होता था, एजोटी लिखने का बेटा कोई मतलब नहीं, 5-5 का गैप होता है, ये बिल्कुल बिल्कुल कारगर नहीं है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा इसको कभी मत देखना। कई किताबों में एजोटी लिखा होगा 5 10 15 20 25, तो इसके बीच का आप याद कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना। सी, अब ये याद करना हो तो मैं आपको बता दूं, सी मतलब क्या होता है, देखना, सी को सी नहीं बोलो, सी को सी बोलो। पिलो मतलब होता है तकिया, पिलो मतलब मान लो होता है तकिया, तो पिलो को बोल दो फिलो, और जो लोग नहाते हैं उनको पता होगा कि लक्स नाम की साबुन आती है, जो नहाते हैं उनको अनुभव होगा, जो नहीं नहाते उनका ईश्वर मालिक है, तो लक्स को बोल दो रक्स, तो आपको याद हो जाएगा सी फी लो रक्स आर यू एक्स। और 3 का पहाड़ा लिख दो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24, 3 का पहाड़ा लिख दो। अब कोई भी प्लेस वैल्यू बोलो, कोई भी प्लेस वैल्यू बोलो, देखो विद इन अ सेकंड आ जाएगा, सोच के देखो, सोच के देखो। किसी ने कहा एस की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आर है ना, आर के बाद क्या आता है एस, आर 18 है तो सीधे एस 19 हो गया। किसी ने बोला अच्छा ये बताओ तो एन की प्लेस वैल्यू बताओ, तो किसी ने कहा ओ 15 होता है, ओ के पीछे एन आता है, यानी यहां पर 14 हो गया। अच्छा किसी ने बोला ठीक है के की प्लेस वैल्यू बताओ, तो के बाद एल आता है, के बाद एल आता है, एल 12 है तो के की 11 हो गई, यानी सारी प्लेस वैल्यू मेरे दोस्त मेरे भाई आगे पीछे है। बोलो हाँ, ना हो तो पैसा वापस कर दूंगा। इसको एजोटी भूल जाना, ये एजोटी याद मत करना, सी फिलो रक्स, यानी सी पिल्लो रक्स होता है ना, सी फिलो लक्स की जगह रक्स बोल देना, याद हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ताबड़तोड़ तरीके से याद हो जाएगा कोई भी प्लेस वैल्यू। किसी ने बोला कि अच्छा मान लो एस नहीं, पी की प्लेस वैल्यू बताओ, तो पी की प्लेस वैल्यू बताओ तो ओ के बाद पी आता है कि नहीं, ओ 15 है तो पी 16 हो गया, यानी प्लेस वैल्यू याद हो गई। आगे चलते हैं, अपोजिट कैसे याद करते हैं, अपोजिट मतलब एक नई चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर उचित लगे तो समर्थन करना। नई बात, एक नई बात क्या है जरा समझना, किसी ने कहा अपोजिट का मतलब क्या होता है, तो बोलो किसी भी तत्व की, किसी भी अल्फाबेट की, किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू जोड़ो और उत्तर 27 आ जाए, वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होगा। क्या कहा आपने, क्या जोड़े 27 हो जाए, किसी की भी प्लेस वैल्यू जोड़ो उत्तर 27 आ जाए तो वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होगा। बोले नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं, अरे हमने कहा बिटवा जैसे एक क्या है, ए क्या है 1 है और जेड क्या है 26, जोड़ो देखो 27 आ रहा है, यानी ए जेड अपोजिट है। फिर किसी ने कहा जे की प्लेस वैल्यू 10 और क्यू की प्लेस वैल्यू 17 और 17 10 कितना होता है 27, मतलब कि किसी भी एलिमेंट की प्लेस वैल्यू जोड़ दे और उत्तर 27 आ जाए वो हमेशा एक दूसरे का विपरीत होगा। जी हां बिल्कुल सही कह रहे हो, किसी को भी पकड़ लो, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, जोड़ दो 27, बाप रे बाप, बिल्कुल सही बात है। और अगर याद करना है तो इसको ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी ऐसे याद नहीं किया जाता, ए जेड आजाद, एच एस हाई स्कूल, हॉर्स हाउस, कुछ भी बोलो एच एस आना चाहिए, एजेड आजाद, एच एस हाई स्कूल, बी वाई बॉय, आई आर इंडियन रेलवे, सी एक्स क्रैक,
पैक्स 5 रुपए का आता है जिसमें अंदर गेम निकलता है, जो जिसके भांजे होंगे भाई भतीज होंगे उनको अच्छे से पता है। जेक्यू जंगल क्वीन, जैकलिन नहीं, तुम्हारे बजट से बाहर है, जैकलिन मत बोलना, जेक्यू से जैकलिन भी होता है, जब भी कोई बोले जे का अपोजिट जे से जैकलिन, लेकिन वो तुम्हारे बजट के बाहर है, जंगल क्वीन बेरोजगारों, जंगल क्वीन। डीडब्ल्यू ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, लंगड़े आदमी को पहाड़ से कुदा देता है फिर बोलता है डर के आगे जीत है, असली में कूद जाओ तो समझ में आ जाए, पिताजी के सामने जाना हो कोई माउंटेन ड्यू काम नहीं आता है, बॉयज अच्छे से समझ रहे होंगे, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। केपी कमला पसंद नहीं, सॉरी, कमला पसंद नहीं, कमला पसंद नहीं, जिस गांव जाना नहीं वहां का रास्ता नहीं ना, ना कमला पसंद नहीं। कानपुर याद रखना, कानपुर केपी इंटर कॉलेज, कानपुर केपी इंटर कॉलेज, कानपुर इंटर कॉलेज, बोलो बात सही है कि नहीं। अब क्या है, ईवी इवन इवनिंग, इवन इवनिंग, जैसे चाहे इवन बोलो चाहे इवनिंग, अपने को ईवी से मतलब है। और ये तो ब्रह्मा नहीं भुलवा सकते, ब्रह्मा नहीं भुलवा सकते, मोहब्बत से तब तक मोहब्बत ना करो कि जब तक मोहब्बत तुमसे मोहब्बत ना करे, मोहब्बत बहुत जरूरी चीज है। लव, अच्छा लव इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं अतुल सर, क्योंकि दोस्तों इसकी प्लेस वैल्यू 12 इसकी 15 होती है, 12 15 27, सही तुम्हारे कान बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 22, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 5 यानी 27, ये भी ईवी का अपोजिट होता है, ये देखो ईवी का अपोजिट होता है, ये देखो ईवी और LO एक साथ एक ही में आ गया। लव कितना जरूरी है, मोहब्बत कितनी जरूरी है, याद रखना, आज से कोई मोहब्बत को हल्के में कहे तो बोल देना जाओ पहले अतुल सर की क्लास करके आओ, मोहब्बत बहुत जरूरी चीज है। LOVE यानी L का अपोजिट O और E का अपोजिट V यानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटवा आगे देखना, सरकार प्रभु, FU फुल, फुल मतलब भरा हुआ, या उफ ये गर्मी, उफ ये ठंडी, उफ तुम्हारी अदाएं, उफ तुम्हारे नखरे, उफ उफ ये बोलते हैं तो UF UF FF आता है, उफ क्या होता है, ये अपोजिट होता है। MN क्या होता है, मेन होता है, वोमेन होता है। GT ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड गोट, GT आना चाहिए मेरे दोस्त, वहां पे GT आना चाहिए, GT हो गया, बोलो हाँ या ना, ना याद हो सरकार गूगल पे का नंबर बताओ, जिंदगी भर के लिए तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, अगर ना तैयार हो जाए तो बताना। अपोजिट किसी ने कहा, जिम्मेदार आंसर देना हो कि अपोजिट किसे कहते हैं, बोले किन्हीं भी दो एलिमेंट का प्लेस वैल्यू जोड़ो और उत्तर 27 आ जाए तो वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये तो जिम्मेदार आंसर हो गया। फिर बोले क्यू का अपोजिट जैकलिन, अरे नहीं ये तो बजट से बाहर है, जंगल क्वीन सही है। केपी कमला पसंद नहीं बोलना, कमला पसंद नहीं बोलना, केपी से कमला पसंद नहीं बोलना, कानपुर बोलना है ना, कालिका प्रसाद बोलना, लेकिन कमला पसंद नहीं बोलना, ईवी इवनिंग बोलना, इवन बोलना है ना, लव अरे बाप रे बाप, इसको तो अंधेरे में लाइट बुझा के पूछेंगे तो भी बता दोगे कि LOVE लव, बोलो बात सही है, यहां पे भी यानी अपोजिट याद हो गया। तो दोस्तों बस एक लास्ट बात है, अंतिम बात है जिसको आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, अंतिम बात क्या है कि जब ABCD लिखा हो, एक मोटा मोटा बात जान लेना, देखो L और R, लेफ्ट और राइट, L पहले आता है ना 12 और ये 18 होता है, L पहले आता है, तो जब ABCD शुरुआत से जब हम गिनते हैं तो उसे लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है, जब हम ZYXW जाते हैं तो उसे राइट हैंड साइड बोला जाता है, और वैसे भी L पहले आता है R बाद में आता है, पहले यानी शुरू से जब A से, जब मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड से चौथा तो ABCD, मैंने कहा राइट हैंड साइड से चौथा तो ZYXW, तो राइट क्या होगा बाद में आएगा भैया। अच्छा हर्ष कुमार ओझा, DW संदीप मिश्रा बहुत मारेंगे, हर्ष कुमार ओझा गायब हो जाओगे, कह रहा सर आपने कभी मोहब्बत की, हां हमने अपने दोस्तों से की है, अपने भाइयों से की है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। रश्मि सिंह, एस पंचिमा, सभी भैया लोग मेरे साथ जुड़ एस पंचिमा, संध्या रॉय, रश्मि सिंह, अरे बिल्कुल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। किसी ने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड से आठवां, तो लेफ्ट हैंड साइड से आठवां मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां एच है, राइट हैंड साइड से आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8। अब किसी ने, अच्छा एक बात पूछूं, यहां एक नई चीज बताऊं, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हो, मैंने आपसे पूछा कि एक बात बताओ कि ये बताओ राइट हैंड साइड से दसवां एलिमेंट कौन सा होगा, तो राइट हैंड साइड से दसवां, तो ए से लेके जेड तक लिखोगे फिर जेड से दसवां गिनोगे, और जो मेरा स्टूडेंट होगा ना वो इसको तुरंत 27 से माइनस कर देगा और बोलेगा कि 17 क्यों होगा सर, रद्दाई ने हाथ से, हमने कहा गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे यार बिल्कुल सही कह रहा है। किसी ने कहा राइट हैंड साइड से 17वां बताइए, तो हमने कहा रुक जाओ ए से जेड तक लिख ले, और जो मेरा स्टूडेंट होगा बोलेगा अरे सर छोड़िए कौन 17 लिखेगा, इसको तुरंत 27 से माइनस करो, इसको तुरंत 27 से माइनस करो, तो जैसे 17 माइनस किए क्या आया 7 आया,
सॉरी 27 माइनस के 10 आया, क्या आया 10 आया। तो 10 पे कौन होता है, 10 पे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे होता है, 10 पे प्लेस वैल्यू किसकी होती है, जे, बिल्कुल सही हो गया। अब नई चीज मजा आ गई तो मुझे बताना सर सीखने में मजा आई कि नहीं। किसी ने कहा, अब बहुत सही बात बता रहा हूं, किसी ने कहा लेफ्ट हैंड साइड से आठवां, तो लेफ्ट हैंड साइड से आठवां तो A1 B2 C3 D4 E5, तो लेफ्ट हैंड साइड से पांचवां, तो हमने कहा लेफ्ट साइड से पांचवां, तो उसने कहा ई होगा। अच्छा तो मैंने कहा ये बताओ राइट हैंड साइड से सातवां, तो कहा अच्छा राइट हैंड साइड से तो मुझे याद नहीं है, मैं इसे 27 से माइनस कर दिया तो आ गया 20। जो 20 आया तो ये किधर से आया, लेफ्ट हैंड साइड से आया। और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की प्लेस वैल्यू होती है, गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7। नई चीज पता चली कि नहीं, अगर पता चली तो मेरे लिए ताली नहीं बजा रहे हो यार। अब जरा सीखो बेटा, मजे से मौज लो, रोज लो, ना मिले खोज लो, लेकिन खुश रहो, समझे कि नहीं। टेंशन मतलब तेरा भाई यहां पे है, टेंशन नहीं लेना, इससे ऐसा तरीका बताऊंगा नाचे नाचे घूमोगे। किसी ने कहा अच्छा एक बात बताइए, हमने कहा पूछो भैया, बोले राइट हैंड साइड से 20वां कौन सा होगा, हमने कहा राइट हैंड साइड से 20वां, तो मैं गिनूंगा राइट हैंड साइड से 20वां क्या होगा, मैंने क्या किया 27 से माइनस कर दिया, मैंने कहा 7, और 7 पे कौन होता है, 7 पे तो जी होता है, और देखो राइट हैंड साइड से तुम 20वां गिनोगे जी पे ही गिरेगा, बोलो हाँ या ना। तो नई चीजें सीखे तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलो आज का पहला क्वेश्चन से मुखातिब कराता हूं, अब जल्दी से बताओ यहां पे क्या होगा। बहुत बढ़िया गौरव प्रजापति, थैंक यू। संदीप मिश्रा, थैंक यू सो मच संदीप। विवेक चौधरी, बहुत ही शानदार। अब जल्दी से यहां पे बताओ, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के, यार तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, इतनी नई नई चीजें बता रहा हूं, जल्दी से यहां पे बताओ आंसर क्या हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो, जल्दी से आंसर बताओ क्या हो। कई चीजें क्वेश्चन में समझाऊंगा, 21 सेकंड का टाइमर, ऐसे नहीं करते। पहले तो अतुल सर से पूछो, सर ये प्रोसीड और फॉलो क्या होता है, मैंने कहा प्रोसीड पा मतलब होता है पहले, प्रोसीड का प मतलब होता है पहले, और इसका मतलब होता है बाद में। जब एक का मतलब पहले हो गया तो बचा हुआ तो बाद में ही होगा ना। किसी ने कहा कि हाउ मेनी सच ऑफ वोवेल आर देयर इन अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट, जिसके आगे भी कॉन्सोनेंट और जिसके पीछे भी कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने वोवेल हैं। किसी ने कहा कि सर इसको तो आंख बंद करके जवाब दे देंगे, हमने कहा कैसे, बोले ए से लेके जेड तक लिखा हुआ है, हमने कहा ठीक, बोले ए से लेके जेड तक अगर लिखा हुआ है तो केवल ए ही एक ऐसा है जिसके अंत पे इधर शुरुआत में प्रोसीड में वोवेल नहीं, ओ कॉन्सोनेंट नहीं है, वरना आप किसी को भी पकड़ लो, ये भी देखो आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, इसको पकड़ लो आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, इसको पकड़ लो आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, इसको पकड़ लो आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वोवेल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसने बोला ऐसे कितने वोवेल हैं जिनके आगे पीछे कॉन्सोनेंट होगा, तो ऐसे कितने हैं, सिर्फ 4 होंगे, ये गलत लगा, ये 4 होगा, 4 होगा, ये 4 पे लगा हुआ है, 4 होंगे, ऐसे कितने होंगे, 4 4 4 4 4। डी डब्ल्यू मुकेश प्रजापति, कपिल लीला, बहुत ही शानदार। अरे यार लाइक एंड शेयर ठोक दो जल्दी से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ये तुम्हारी जिंदगी 500 पार तो कराई दो, 350-400 में क्या काम चलेगा यार, जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोक दो और मुझे बता दो यहां पे 4 विल बी द राइट आंसर। अब ये करके दिखाओ, ऊपर वाली सीरीज के आधार पर बताओ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, जल्दी से सोचो, बहुत ही बढ़िया। एस पंचीमा, सरोजिनी, कपिल तिवारी, सिर्फ सुनो, नई नई चीजें सिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया। श्रीकांत पाल साहब, नहीं मैं प्रयागराज से हूं बेटा। कपिल तिवारी, बहुत ही बढ़िया। अड्डा 247 में वो चीजें मिलेगी जो कहीं देख भी नहीं पाओगे। किसी ने कहा ये 1 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 13 है, किसी ने कहा बस करिए सर अब रुलाएंगे क्या, हमने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोले इसमें देखिए 3 का गैप है, हमने कहा सही कह रहे हो, बोले इसमें देखिए 4 का गैप है, हमने कहा देखिए, तो हमने कहा ये सीरीज देना, बोले सर ऐसे बहुत से लोग सीरीज देते रहते हैं, हमारे पास दिमाग है ना सर, जो हम अपने मां के गर्भ से लेके पैदा है, तो यहां पे क्या है, ये +4 है, ये क्या है +5 है, तो अगला +6 होना चाहिए, तो यहां पे 19 आना चाहिए। 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है, इसको कोई भी पूछेगा कभी गलत होगा ही नहीं, है कि नहीं। अब जल्दी से इस पे बताओ क्या होगा। शिवकांत पाल, हिमांशु, बहुत ही शानदार, जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोक दो यार, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ो तो भी मजा आती है पढ़ाने में भी, है ना, बहुत बढ़िया। संगीता, बहुत ही बढ़िया। प्रिया पाल, डीडब्ल्यू शिवम तिवारी, बहुत ही शानदार। ताबड़तोड़ तरीके से खेलो, सिर्फ खेलो, ये सब देखो मैथ्स पढ़ा करो, जीए पढ़ा करो, इंग्लिश पढ़ा करो, इसमें सिर्फ मजे लिया करो कि सर नई चीजें अतुल सर सिखा रहे हैं। ये देखो 18 है, सबका प्लेस वैल्यू नहीं लिखना नहीं तो परेशान हो जाओगे। ये 14 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 2 है। अब देखो कई लोग गलत क्या करते, हमारे सर हमको सिखाए थे कि अल्फाबेट जब भी देख लेना तुरंत प्लेस वैल्यू लिख लेना। अरे तो सबकी लिखोगे तो छीछा लेदर नहीं हो जाएगा, ये मतलब समझते हो कि नहीं, इट्स अ छीछा लेदर। अब ये छीछा लेदर क्यों हो जाएगा,
तो वहीं बगल में इसकी भी चार लिखे दे रहे हो, तो कभी 184 दिख रहा है, कभी तो एक एक करके देखो, ये देखो 18 है, ये देखो 14 है, ये देखो 10 है, ये देखो 6 है, ये देखो 2 है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि -4 -4 -4 है, तो इसमें -4 करेंगे तो B के बाद Z और Y, भाई B के बाद जाएंगे तो A, Z, Y और X पे बात खत्म होगी कि नहीं होगी, X पे बात खत्म होगी कि नहीं। तो अगर अब हम 4 माइनस करेंगे तो वहां पे शुरू में X आना चाहिए, केवल X से ही जब अपना काम चल जाए, यहां भी X नहीं, यहां भी X नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो अगर उतने में ही काम चल जाए तो दोस्तों पांचवा सही हो जाएगा। अब आपके सर ने सिखा दिया कि कोई भी अल्फाबेट देखो उसकी वैल्यू लिख दो, तो सबकी लिखोगे तो दैट्स अ कॉल छीछा लेदर, तो वो छीछा लेदर मचाने की जरूरत नहीं है और ये जवाब सही हो जाएगा। ये करके दिखाओ, जल्दी से सोचो, ये करके दिखाओ यार, अभी भी लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, यानी इसका मतलब अभी मेरे और परफॉर्मेंस में कमी, और नए क्वेश्चंस मुझे देखना है। शेयर मैं इसलिए करता हूं ना, मैं हर भाई तक पहुंचना चाहता हूं, अपने हर उस दोस्त के साथ पहुंचना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है कि सर रीजनिंग नहीं आता, और अगर तुम लोगों ने मेरी मदद कर दी ना तो मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा यार। मुझे हर भाई तक अपने पहुंचना है, हर उस दोस्त तक पहुंचना है जो परेशान है। अब शिवम तिवारी, नई बात मेरी समझना, उसने क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग is the ninth to the left and 21th from the left and the above arrangement। देखो एक नई चीज सीखो, that's called trick। इसे क्या कहते हैं, जबरदस्त ट्रिक कहते हैं। जब भी सेम सेम दिया हो वो हमेशा घटता है, सेम सेम जब भी दिया हो घटता है और लेफ्ट हैंड साइड से काउंट होता है, यानी पहला कंसीडर होता है। जब सेम सेम दिया हो, राइट राइट दे घटा के राइट से काउंट करो, यानी इस साइड से काउंट करो जो पहला लिखा होता है। अलग अलग अगर हो तो वो जोड़ दिया जाता है, जैसे लेफ्ट राइट दिया होता तो हम जोड़ देते, और काउंट किधर से करते, लेफ्ट से काउंट करते, आंसर किधर से आता, लेफ्ट से आता। ये राइट और लेफ्ट दिया होता तो ये जुड़ जाता और किधर से करते, राइट हैंड साइड से करते। अब उसने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड से 21 के लेफ्ट हैंड साइड, ये भी लेफ्ट, 21 माइनस 9 किए तो हमें क्या मिला, 12 मिल गया। क्या मिला, 12 मिला, और 12 किधर से काउंट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, भाई एल एल है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 परसेंटेज आना चाहिए। क्या परसेंटेज है कहीं, नहीं, देन इट विल बी नन ऑफ दिस, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, शानदार आराधना सिन्हा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, नन ऑफ दिस बिल्कुल सही है। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। संदीप मिश्रा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सिमरन बहुत, कृति पांडे, गौरव प्रजापति, कपिल तिवारी, मोना कुमारी और तबिश शाह बहुत ही बढ़िया, शिल्पा बहुत ही शानदार, सरोजनी, संतोष यादव, कविता जैन, दीपिका शर्मा, कपिल तिवारी, अनन्या, अब बहुत ही शानदार। अब जरा सोचो कि यहां पे क्या होगा, अब उसने क्या बोला कि 5 7 6 8 2 3 4 1 में संख्या में ऐसे कितने अंक की स्थिति जो अंक के भीतर अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर अपरिवर्तित रहेगा। अब बहुत ही शानदार, अब जरा मेरी बात समझना, मेरा एक पेडकोर्स कोर्स आ गया है, मेंस का बैच में पढ़ाने वाला हूं, Y72, ये मेरा कोड है, ये लगा लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट द नंबर ऑफ 5 7 6 8 2 3 4 1 विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द डिजिट इज रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। अब जरा देखो ये नंबर लिखा हुआ है, एकदम बड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि मेरे लिखने पे कोई आपको परेशानी ना हो देखने पे। ये नंबर लिखा है, इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिख दिया, सारे नंबर को डिसेंडिंग यानी 5 7 6 8 2 3 4 1 लिखा था, इसे मैंने 8 7 6 5 4 3 2 1 मतलब डिसेंडिंग ऐसे घटते हुए क्रम में लिख दिया। ऐसे कितने अंक है जो स्थान अपरिवर्तित है, तो पहला तो 7 है, दूसरा 6 है, तीसरा 3 है, यानी केवल ये तीन ऐसे नंबर हैं जिनका स्थान क्या होगा, अनचेंज होगा। बिल्कुल टीना बिल्कुल, मैं तुम्हारा देख रहा हूं कमेंट बेटा, देख रहा हूं, बस थोड़ा सा यहां पे क्वेश्चन के चक्कर में आपका नहीं देख पाता कमेंट, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जल्दी से यार इसे 400 पूरा करो यार, जल्दी से सोचो कि यहां पे 3 विल बी द राइट आंसर। तुम्हें कुछ नहीं करना, लिंक को कॉपी करना है, और जिस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हो, जहां जहां फेसबुक पे, स्टोरी पे, हर जगह लगा दो कि तुम्हारा भाई, अपना भाई पढ़ा रहा है, बस एकदम नई नई चीजें सीखेंगे, जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोक दो, बहुत ही शानदार। एस पंचिमा, प्रिया पाल, टीना बहुत ही बढ़िया, के वरा लक्ष्मी, उमजा बानो, रंजीत कुमार, ज्योति, डीडब्ल्यू, रंजीत कुमार बहुत ही शानदार। अब यहां पे जरा सोचो कि यहां पे क्या होगा, अब जरा देखो, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, सारे क्या सिंबल गिरा दिए जाएं, मतलब हटा दिए जाएं, तो वो हम मानसिक रूप से हटाते हैं, अब उसे रगड़ के मिटाने थोड़ी ना लगेंगे, हमने क्या किया, सारे सिंबल अगर ड्रॉप कर दिए जाएं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज 11th फ्रॉम द राइट एंड।
राइट एंड के छोर से ग्यारहवां कौन सा होगा? तो ग्यारहवां कौन सा होगा अगर आपको जानना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहां पे देखो एक ये सिंबल छोड़ देना है, दो तीन चार पांच छह इसे छोड़ देना है, कितना हो गया, एक दो तीन चार पांच छह, ये सात आठ नौ दस और ये क्या हो गया ग्यारह हो गया, कौन सा हो गया W हो गया, W विल बी द राइट आंसर, W। तबिश, पल्लवी, राहुल, सरोजनी रॉय बिल्कुल सही बात है, यहां पे क्या होगा W विल बी द राइट आंसर, W बिल्कुल सही होगा। जल्दी से शेयर करो यार, हरीश कुमार ओझा बहुत ही शानदार, बहुत जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा दो अगर समझ में आ रहा है तो। आयुषी त्रिपाठी, तबिश शाह बहुत ही शानदार, ये करके दिखाओ, इस सीरीज का आंसर देके दिखाओ, देखे कितने लोग दे पाते हैं, उड़ा दो एकदम यार, एकदम चूरन क्वेश्चन है, शास्त्रों में ब्रह्मा ने इन्हीं सब क्वेश्चन को चूरन कहा है, ब्रह्मा जी ने ऐसे ही क्वेश्चन को चूरन कहा है, जल्दी से सॉल्व करके बता दो क्या होगा। थैंक यू हर्ष कुमार ओझा जी, थैंक यू। अरे यार भाई हो, तुम लोग साथ में हो तो दुनिया की जंग जीत सकता हूं, कभी आजमा के देख लेना। टीना कुमार, जब तक तुम लोग हो ना टीना भैया, जब तक तुम लोग हो पागल कर दूंगा दुनिया को, बस मेरे भाइयों का इसी तरीके से साथ मिलता रहे, बस जल्दी से लाइक शेयर ठोक दो तुम लोग, जल्दी से अब ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़ो यार, 400 पार नहीं करोगे दिल तोड़ रहे हो अब मेरा यार, 400 पार कर दो जल्दी से। अब जरा सोचो यहां पे क्या है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या है, यहां पे 11.5 जुड़ा है, फिर 12.5 जुड़ा है, देखो क्योंकि जब भी दशमलव पांच हर दूसरी बार में हट जा रहा है, हर दूसरी बार में दशमलव पांच हट जा रहा है तो अगली बार भी दशमलव पांच हट जाएगा, फिर क्या है 13.5 जुड़ा है, फिर 14.5 जुड़ेगा, यानी 11.5 12.5 और 13.5 इस तरीके से जुड़ता जा रहा है, बोलो बात सही है कि नहीं। देखो 60.5 में 11.5 जुड़ा तो 72 आया, 72 में 12.5 जुड़ा तो 84.5 आया, 13.5 जुड़ा तो 98, 14.5 जुड़ा तो 112.5 और इसमें 15.5 जुड़ेगा तो 128 विल बी द झमा झम जवाब, ठीक है ना, 128 बिल्कुल सही होगा। तो यार जल्दी से पहले लाइक एंड शेयर ठोको यार, जल्दी से ज्यादा लोग जुड़ो फिर मजा आता है। चलो इस पे बताओ, इसका आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्स टू द राइट ऑफ 19th फ्रॉम द राइट एंड, जल्दी से सोचो यहां पे क्या होगा, जल्दी से सोच के बताओ जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया निधि, कपिल तिवारी बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, एकदम चूरन, जो देखो यार एकदम आसान है उसको एकदम आसान रहने दो, लेकिन अभी जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोको फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्स टू द राइट ऑफ द 19th फ्रॉम द राइट एंड, अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्स टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट, क्या दिमाग में एक वही वाली ट्रिक गूंजी कि नहीं गूंजी, नई चीज समझ में आई कि नहीं, ये ट्रिक क्या बताई थी कि जब सेम सेम होता है तो घट जाता है, जब सेम सेम होता है तो क्या होता है घट जाता है, और हमेशा काउंट पहले वाले की तरफ से करते हैं, अलग अलग होता है तो जुड़ जाता है और काउंट पहले वाले की तरफ से यानी यहां L से करते हैं, और जब अलग अलग होता है तो क्या होता है जुड़ जाता है और काउंट किधर से करते हैं इधर। अब उसने क्या बोला, देखो अब उसने क्या बोला राइट और फिर 9th फ्रॉम द राइट बोला, तो 19th यानी 19 में से कितना माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, कितना होता है अच्छा हां 13, ठीक है ना 13 आ गया। अब 13 किधर से काउंट करेंगे, 13 राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे, यानी 13 हाँ राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, यानी राइट हैंड साइड से 13 काउंट करेंगे और वी विल बी द राइट आंसर। दीपिका शर्मा और मनीषा बहुत ही बढ़िया, अनन्या बहुत ही बढ़िया, ज्योति बहुत ही शानदार, अब जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोको यार, जल्दी से वी विल बी द राइट आंसर। चलो अभी यहां बताओ यार, ये बताओ तुम लोग खुद बताओ, 350 साढ़े 300-400 लोग अगर नहीं होंगे तो फिर मजा कैसे आएगी यार, वजी बताओ तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। यही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अभी इतने पैटर्न कराऊंगा, सिलॉक के वो नए तरीके बताऊंगा, ऑल ए कैन नेवर बी नन बट एआरबी, ओनली एआरबी, ओनली फ्यू एआरबी, ऑल को क्या क्या कहते हैं, ऑल को ईच एवरी होल इंटायर कंप्लीट 100%, सम को क्या क्या कहते हैं, एट लीस्ट मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम फ्यू लिटिल बिट जनरली एज यूजुअल, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन आपको बस जल्दी से लाइक एंड शेयर करना है, बहुत जल्दी एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, एकदम शुरू से एकदम आसानी तरीके से समझाऊंगा। अब जरा सोचो कि यहां पे क्या है, इफ द फर्स्ट फिफ्थ एलिमेंट इन द एबव पैसेज सिक्वेंस आर रिटन इन अ रिवर्स ऑर्डर, क्या 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 रुकिए रुकिए क्या बोल रहे हैं आप,
हमने कहा इफ द फर्स्ट 15 एलिमेंट, शुरू के 15 एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, तो मैंने मानसिक रूप से उसे क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मानसिक रूप से रिवर्स कर लिया, ठीक है। तो उसने बोला कि राइट हैंड साइड से 15वां क्या होगा, तो उसने बोला तो बताओ कि निम्नलिखित में कौन सा दाहिने छोर से 15वां होगा। तो जरा सोचो, ये पलट चुका है, ये उधर जा चुका है, तो राइट हैंड साइड से 15वां कौन सा होगा, तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 के बाद, क्योंकि ये पलट चुका है, 11 पलट चुका है ना, 11 के बाद 12, 13, 14 और 15 क्या होगा, 3 विल बी द राइट आंसर, 3 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि क्या हो चुका है, पलट चुका है, तो वो हम मानसिक रूप से पलट लेंगे कि हाँ 15 शुरू का पलट चुका है, और यहां के बाद 11 हमने यहां तक गिना, तो अब यहां से तो गिनेंगे नहीं, क्योंकि ये वाले अब इधर आ चुका है, क्योंकि पलट चुका है, तो यहां पे 11 के बाद 12, 13, 14 और 15, यहां पे 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एकदम झमाझम जवाब होगा। चलो ये बताओ यहां पे क्या होगा, बोले सर ये सब क्वेश्चन मत दिखाया करिए, ये सब जैसे अगर आप अभी लाइट वाइट भी बंद कर देंगे ना, और अंधेरे में पूछेंगे कि बेटा इसका जवाब क्या होगा, तो यहां पे अमित हैं और एनपीए, पल्लवी है, साक्षी चौहान है, रोहित है, अंजू है और मोना कुमारी है, उज्मा बानो है, संदीप मिश्रा है, पल्लवी है, साक्षी है, ये कहेंगे कि सर ये सब तो देखो, ये एक का स्क्वायर एक होता है, एक के बाद ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो 7 के बाद किसका स्क्वायर आना चाहिए, 7 के बाद किसका स्क्वायर आना चाहिए, जल्दी से सोचो, 7 के बाद किसका स्क्वायर आना चाहिए, 9 का स्क्वायर आएगा, 9 के बाद 11 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, बोलो बात सही है कि नहीं, तो ये तुम्हें हमेशा के लिए याद हो गया, तो यानी 81 विल बी द राइट आंसर, 81 सबका सही जवाब आ रहा है, बोलो हाँ या ना, 81 बहुत बढ़िया, संजू कह रहे हैं सर 81 होगा, रोशन पांडे कह रहे हैं सर 81 होगा, गुलशन कह रहे हैं कि सर 81 होगा, ज्योति यश जम्मू कह रहे हैं सर, सोनाली कुमारी कह रहे हैं सर 81 होगा, तो ये चीजें सीखो, जब सीखोगे तो मजा आएगा कि सर नई चीजें हैं, इस सीरीज का जवाब बताओ क्या होगा, जल्दी से सोचो, बेइज्जती नहीं कराना, इसमें 100 रुपया नगद इनाम, ये 100 रुपए नगद इनाम है 100 रुपया का, देखें कितने लोग हैं, अगर बता दिए तो 100 रुपए तुमको दूंगा मानसिक रूप से, जल्दी से आंसर बताओ, 100 रुपए नगद इनाम है, कितने लोग हैं जो जीत सकते हैं, जल्दी से आंसर बताओ, किसका दिमाग कितनी तेज चलता है, और जिस हिसाब से सोच रहे हो ना भगवान कसम तुम बेइज्जती कराओगे, जिस हिसाब से सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अल्फाबेट ऐसी तैसी में जाए, अल्फाबेट तो मैं देखूंगा ही नहीं, किसी ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने कहा मेरा सिक्स सेंस कहता है, मैं एवरेज स्टूडेंट नहीं बनना चाहता, मैं दुनिया से अलग होना चाहता हूं, किसी ने कहा मतलब, मैंने कहा कि जरा देखो 6 के बाद 8 है, तो किसी ने कहा ये मत बताइए 6 के बाद 8 है, आप अल्फाबेट क्यों नहीं गिन रहे, हमने कहा सरकार यू 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 है, इसे गिन के टाइम वेस्ट करूंगा क्या मैं अपना, ठीक है 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 15, तो 6 के बाद 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15, तो 15 के बाद 15, 5 क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, स्वाहा स्वाहा, 2 तो सूखा सूखा खत्म हो गया, अब पीछे वाले को आराम से देख लो, पीछे वाले में क्या है, 7, 3, 10 बहुत ही शानदार, 10, 4, 14 बहुत ही शानदार, 14, 5, 19 बहुत ही शानदार, और फिर 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, 6 कितना हो गया, 25 हो गया, तो वंस अगेन स्वाहा कितना हो गया, 25 विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा, है ना, आपको स्वाहा सीखना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन इज कॉल्ड स्वाहा, ऑप्शन एलिमिनेशन इज कॉल्ड स्वाहा, तो आपको ये स्वाहा सीखना पड़ेगा कि क्या होता है, जल्दी से बताओ, इफ द फर्स्ट 13 एलिमेंट इन द एबव पैसेज सीक्वेंस आर रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड टू द राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, ये तो ये इसे तो मैं चूरनेस्ट लिखूंगा, देखो इसको तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे साथ सुनो, इसको मैं लिखूंगा, इट्स अ चूरनेस्ट क्वेश्चन, ये चूरनेस्ट है,
किसी ने कहा ऐसा क्यों बोले, चूरन का भी सुपरलेटिव डिग्री है। क्यों? उसने क्या बोला जरा ध्यान से, आपने पढ़ा नहीं, राइट हैंड साइड से 16 के राइट हैंड साइड दूसरा, राइट और राइट सेम सेम बोल रहा है तो ये घट जाएगा, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से दूसरा, राइट हैंड साइड से आंसर आएगा, यानी 14 के इधर से गिनेंगे, राइट हैंड साइड से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 8's a 14, you know, it's a 14 यहां पे आएगा, राइट हैंड साइड से ही 14 बोला ना, तो देखो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 16 में 2 जाएगा। और ऑप्शन क्या सही है? F आना चाहिए। F क्यों आना चाहिए भाई? उपरोक्त गद्यांश, अच्छा अच्छा सॉरी, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। ठीक। इफ द फर्स्ट 13 एलिमेंट आर अबव पैसिव सीक्वेंस इन द रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो पी की जगह तो एफ आ जाएगा ना। अरे दादा इतना गलत मैं कर रहा था भाई, आप लोग सही हो, बिल्कुल सही। हाँ, इट्स बिल्कुल एफ सही होगा क्योंकि पहला 13 पलट दिया गया है, तो आप लोग हमसे ज्यादा होशियार निकल गए दोस्तों। यहाँ पे ये आ जाएगा, एफ विल बी द राइट आंसर, एफ बिल्कुल सही होगा, आप सही है। ज्योति, कपिल, अनन्या, आप लोग परफेक्ट सही हो। जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोक दो यार, जल्दी से 400 पार करा दो यार, ऐसा काम करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जल्दी से 400 पार कर दो, जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोक दो और मुझे आंसर बताओ यहाँ पे क्या होगा। बहुत ही शानदार नायाब तरीका है दोस्तों आप लोगों का, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। जल्दी से बताओ यहां पे और क्या होगा। बहुत बढ़िया संदीप भैया, संदीप शानदार, जल्दी से लाइक एंड शेयर करो यार संदीप, वैसे मजा नहीं आ रही है। एसपी खुराना भैया, जल्दी से लाइक एंड शेयर। पवन, बहुत ही बढ़िया। गीला, इट्स जस्ट कॉल गीला, बहुत बढ़िया, जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोको यार, बहुत ही शानदार। तबशीम और रोशन पांडे, बहुत ही बढ़िया। शुभम कुमार, कपिल तिवारी, सरोजिनी सॉय, अनन्या एस, पंचमा, विवेक चौधरी, डेली क्लास की टाइमिंग 8 से 9 है मेरे भाई, मेरे दोस्त, 8 से 9 होगी। अब किसी ने कहा सर यहां पे जवाब क्या होगा, मैंने कहा देखो पहले किसको करें हम स्वाहा, तो भाई सब में एक एक एलिमेंट जा रहा है, सब में एक एक एलिमेंट जा रहा है, तो 16 के बाद ये लिखा है 18, एक एक लिखा करो, एक एक लिखा करके स्वाहा करके तब आगे बढ़ा करो, 20 और ये 22, तो किसी ने क्या कहा 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 के बाद क्या आएगा 24 आएगा, तो दैट्स मीन स्वाहा, यानी ऑप्शन एलिमिनेशन इज कॉल्ड स्वाहा। 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 12, तो यानी 3 2 6 और 6 3 9 9 3 12, तो 12 3 क्या आएगा 15 आएगा। वंस अगेन इट्स ऑल्सो स्वाहा, ये भी स्वाहा हो गया। अब देखो 3 2 5 5 3 8 8 8 4 12, तो 12 5 17 हो जाएगा, तो ये भी हो गया स्वाहा, और चौथा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन इज अ झमाझम प्रोसेस टू सॉल्व एनी क्वेश्चन माय डियर, ऑप्शन एलिमिनेशन। अब यहां पे कोई ये नहीं कह सकता कि सर मेरा गलत है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे तो मैं बताऊंगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश वालों ये मत कहना कि वेरी के साथ मोस्ट नहीं लगता, ये मेरी चलन की भाषा है जो मैं बोल रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का मिलेगा एग्जाम में आएगा, गारंटी है, लेकिन करके दिखाओ, पक्का एग्जाम में आएगा, गारंटी है। जरा सोचो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक सीरीज लिख दिया, इसमें बोला सबसे कम और सबसे अधिकतम आवृत्ति किसकी है, यानी सबसे कम बार कौन आया है, जैसे यहां पे 2 देखो कई बार है, 3 कई बार है, 4 कई बार है, 5 कई बार है, तो उसने बोला आप देखो तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी। अरे इसको गिन रहा हूं, ये हट जा रहा है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, ये इजी होते हैं लेकिन इट्स अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, ये टाइम टेकिंग है, लेकिन जल्दी कर पाते हो कि नहीं, इसमें कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है तुमको ये बताना है। अब जरा सोचो, एक तुम्हें तरीका बताता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाए, कहीं कॉपी पे लिख लो, जब फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाए तो नई चीज सीखना कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है, कौन सा नंबर कितनी बार आया है, ये कैसे देखेंगे जरा सुनना। देखो जैसे मैं 2 की बात करूं, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 2 कितनी बार आया यहां पे लिख लो, 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, फिर 2 के बाद 3 की मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 कितनी बार आया है 7 बार आया है, 3 कितनी बार आया है 7 बार आया है, 2 कितनी बार आया है 3 बार आया है, 2 3 के बाद बात करते हैं किसकी, 4 की, 4 कितनी बार आया,
चार कितनी बार आया, एक दो तीन, चार कितनी बार आया, चार तीन बार आया है, चार कितनी बार आया, चार तीन बार आया। फिर आगे देखते हैं, चार के बाद किसकी बारी आती है, पांच की, पांच की, एक दो तीन चार, पांच कितनी बार आया है, चार बार आया है, पांच कितनी बार आया है, चार। यानी जब भी इस तरीके से दिया हो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, तो दो तीन चार पांच। अब छह कितनी बार आया, छह देखो, छह कितनी बार आया, एक दो तीन चार, छह कितनी बार आया है, छह कितनी बार आया, चार बार आया, छह कितनी बार आया, चार बार। छह के बाद सात दिख रहा है, सात कितनी बार आया, एक दो तीन, सात कितनी बार आया, सात कितनी बार आया, सात तीन बार आया, नहीं सात चार बार आया, सात कितनी बार आया है, चार बार आया है। सात के बाद क्या बचा, आठ, आठ कितनी बार आया है, एक दो तीन, आठ कितनी बार आया है, तीन बार आया है, आठ कितनी बार आया है, तीन बार आया है। अब आठ तीन बार आया है, फिर नौ कितनी बार आया, एक दो, नौ कितनी बार आया है, दो बार आया। अब बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, सही बात है कि नहीं, तीन कितनी बार आया है, सात बार आया है, नौ कितनी बार आया है, दो बार आया है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तीन की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, नौ की। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, इस तरीके के क्वेश्चन ढूंढता हूं, तुम्हारा भाई जब तक है रीजनिंग घोर के पिला दूंगा। ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अभी तक तुमसे दूर था। याद रखना, जितने भी तरीके के क्वेश्चन बोलोगे मैं हर तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा। अब इसमें क्या है, गिनना ही पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी बेटा, लेकिन इसको इस तरीके से रैंडम आपको गिनना ही पड़ेगा। नौ और तीन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो इसका जवाब बताओ, Y272 लिखा है। ये मेरा कोड है, जब भी कुछ भी खरीदना Y272 कोड लगाना है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्काउंट अगर कहीं मिलता है तो इसी कोड पे मिलता है। ये किसी को बताना नहीं दोस्तों, मैं पहले बता दे रहा हूं, जो मेरा लेक्चर लाइव सुन रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं। अप टू 84% पा जाओगे, 84% तक का डिस्काउंट मिलने की गुंजाइश है। सबसे ज्यादा अगर कहीं कुछ मिलता है तो इस कोड पे मिलता है Y272। जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये बहुत सही चीज है। यानी देख लेना, चार चार पांच पांच हजार की चीजें 5-5, 6-6 सौ में मिल जाती। क्या है, हाउ मेनी सिक्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज विच आर प्रोसीडेड बाई प्राइम नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई प्राइम नंबर। वो क्या है कि उनके पहले तो प्राइम नंबर है, पहले प्राइम नंबर है लेकिन बाद में प्राइम नंबर नहीं है। किसी ने कहा सर प्राइम नंबर तो पहले बताइए क्या होता है, पहले बताइए प्राइम नंबर क्या होता है। याद रखना, कभी भी ये नहीं कहना कि अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटे। प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिस नंबर का केवल दो फैक्टर हो सकता है, बस दो से ना कम फैक्टर हो और ना दो से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर हमेशा याद रखना, अभाज्य संख्या केवल उन्हीं संख्याओं को कहते हैं जिनका केवल दो फैक्टर हो सके, दो फैक्टर हो सके। एक से लेके सौ तक में, एक से लेके सौ तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं, जिसमें से एक से लेके 50 तक में 15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 से लेके सौ तक में बाकी 10 प्राइम नंबर होते हैं। किसी ने कहा प्राइम नंबर क्या है, तो वन का फैक्टर नहीं किया जाता इसलिए वन प्राइम नंबर नहीं है, और दो का केवल दो ही फैक्टर किया जाता है इसलिए दो को प्राइम नंबर कहा जाता है। अगर नहीं जानते तो अपने गुरु जी से नई चीज सीख लो। अभाज्य संख्या की बात करें तो एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर नहीं किया जा सकता। और याद रखना, अभाज्य संख्या हमेशा उन संख्याओं को कहते हैं जिनका केवल और सिर्फ दो फैक्टर किया जा सके। तो ऐसे कितने छह हैं, तो यहां पे ये देखो, ये वाला छह तो बेकार हो गया, ठीक है ना। अगर ऐसे क्या है जिनके इधर प्राइम नंबर हो लेकिन इधर प्राइम नंबर ना हो, तो इसलिए ये छह बेकार हो गया। एक यानी पहले प्राइम नंबर पड़े, यानी अगर मान लो ये छह है तो इधर प्राइम नंबर पड़े लेकिन पहले प्राइम नंबर होना चाहिए, बाद में प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने छह है, एक हो गया। फिर आगे देखें, यहां पे देखो ये दो प्राइम नंबर होता है लेकिन चार प्राइम नंबर नहीं होता है। फिर आगे देखें, इसी तरीके की चीजें हमें प्रॉब्लम करती है। वन प्राइम नंबर नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन यहां पे पहले प्राइम नंबर होना चाहिए तो भी नहीं, तो इसलिए ये भी छह गलत हो गया। यहां पे तीन प्राइम नंबर है जिसके केवल दो फैक्टर हो सकते हैं, बोलो बात सही है कि नहीं। और वन प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका दो फैक्टर नहीं किया जा सकता। फिर आगे चले तो एक ठो ये बचा,
यहां पे ये प्राइम नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों देखो, पांच प्राइम नंबर है लेकिन नौ प्राइम नंबर नहीं है। तो पहले प्राइम नंबर हो लेकिन बाद में प्राइम नंबर ना हो, तो याद रखिएगा इस तरीके के पांच बनेंगे। कितने बनेंगे? पांच बनेंगे। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सबको समझ में आ गया कि नहीं, पहले ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सबको समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोक दो दोस्तों। एक से लेकर पचास तक में, कभी क्वेश्चन पूछे एक से लेकर पचास तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो याद रखना पंद्रह प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 10 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिनके केवल दो फैक्टर किए जा सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताओ, अभी भी लाइक शेयर नहीं कर रहे हो यार, ये गलत बात है। जल्दी से लाइक शेयर ठोक दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो, फिर देखो कि मजा आता है। जल्दी से आंसर बताओ, 500 तो पार करा दो यार, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा दो, अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक एंड शेयर कर दो यार। 376 लाइक है, उसे तो 500 पहुंचा दो। जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो, जल्दी से ज्यादा लोग जुड़ जाओ। सचिन भैया, अरे यार यार मेरे, देखो यार तुम लोग भाई हो, नहीं समझ में आया। शिवम सचिन कह रहा हूं, शिवम, अरे बेटा जैसे उसमें कितने ऐसे छह हैं, तो मान लो इधर दो है इधर एक है, तो पहले प्राइम नंबर हो लेकिन बाद में प्राइम नंबर ना हो, ऐसे कितने पेयर बन रहे थे। तो सॉरी, इस तरीके के छांटोगे, पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, वीडियो के नीचे मिल जाएगी, एक बार फिर से ट्राई कर लेना। तो इस तरीके के पांच पेयर बन रहे थे जिनके पहले प्राइम नंबर था लेकिन बाद में नहीं था। तो जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोक दो यार। इस संख्या में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अंक हैं जितनी संख्याओं में होते हैं, मतलब कहने का क्या है, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, अब इनमें ऐसे कितने नंबर हैं, जैसे एक और दो, देखो जब आप लिखते हो ना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ऐसे लिखते हो ना, तो सेम जैसे मैं बोलूं चार से आठ, तो चार से आठ के बीच में कितना गैप है, एक दो तीन का गैप है, तो यहां पे भी चार और आठ में क्या कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर आगे देखते हैं छह सात, देखो यहां पे भी छह सात सेम है, यहां पे भी छह सात सेम लिखा हुआ है, चलो ठीक है। आगे देखते हैं, अब जैसे एक है, ये एक एक ये है, एक से लेके आठ के बीच में कितने अंक है, एक दो तीन चार पांच छह। अब यहां से देखो, यहां पे देखो एक के बाद दो तीन चार पांच छह सात, ये देखो आठ, इसके बीच भी वही अंतर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं। अब जरा यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, यहां पे जैसे एक है, ठीक है ना, एक दो तीन चार, यहां पे तो ये हो गया। अब यहां पे देखो, बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहले कौन सा मिला तुम्हें, एक और दो मिला, सबसे पहले क्या मिला, एक और दो मिला, फिर क्या मिला, छह और सात मिला, फिर क्या मिला, एक से आठ मिला, और फिर एक और मिला, दो से चार मिला, यानी दो तीन चार। ये चार ऐसे हैं जिनके बीच वही अंतर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। उस तरीके से अगर छीछा लेदर हो रही होगी तो ये एकदम साफ सुथरा मैंने बता दिया। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो जल्दी से लाइक शेयर ठोको यार, पहले जल्दी से ज्यादा लोग अंगूठे का बटन दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दो, और फिर मुझे बता दो कि अब क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां पे जैसे उसने बोला कि क्या होगा, तो फिर से देख लो, एक और दो के बीच में वही गैप है जो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ लिखते हैं, छह सात एक साथ आता है, बिल्कुल सही है। और एक से लेके आठ देखो, यहां पे दो तीन चार पांच छह सात, और ये देखो आठ आता है। और दो और चार के बीच में एक संख्या आती है जो कि तीन होती है, यानी वहां पे भी एक संख्या आती है, यहां पे भी एक संख्या है। बोलो बात सही है। चलो अब इसका जवाब बताओ, इसका आंसर बता दो, जल्दी से इसका आंसर बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। अगर इसमें तीसरे छठवें और सातवें के अंक को लेकर एक संख्या बनाना संभव है जो दो अंकों का विषम संख्या का सही वर्ग है, तो अब जरा समझना, इफ इट इज पॉसिबल फ्रॉम ओनली वन सच अ नंबर विद द थर्ड सिक्स सेवेंथ डिजिट ऑफ द नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ टू डिजिट ऑड नंबर, जो दो अंकों वाली विषम संख्याओं का वर्ग है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट डिजिट दैट टू डिजिट ऑड नंबर, क्या होगा, जल्दी से सोचो। अब जरा सोचना, बहुत ही प्यारी चीज बता रहा हूं, जल्दी से समझना, जल्दी से शेयर कर दो मेरे दोस्त मेरे भाई, कि यहां पे 7394 261 में जैसे ये संख्या लिखी हुई है, इसमें उसने क्या बोला कि सबसे पहले तीसरा यानी ये वाला अंक, तीसरा और फिर छठवां यानी ये वाला अंक, और सातवां यानी ये वाला अंक लेके किन्हीं दो अंकों वाली विषम संख्याओं के नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो अगर मैं लिखता हूं 169, ये किसका स्क्वायर है,
169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। और अगर मैं यहां पे लिख दूं 169 हो गया, अगर इसे लिख दूं 196 ये किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। अगर मैं 961 लिख दूं तो ये शायद 31 का स्क्वायर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बोलो हाँ या ना। तीन स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर सही बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं है, बता देना यार, तुम लोग मेरे से अच्छा जानते हो। तो याद रखना कि यहां पे अगर मैं बात करूं 961 यानी ये क्या है, ये वाला क्या है तीसरा है, ये वाला क्या है छठवां है, ये वाला सातवां। उसी ने बोला कि 3, 6, 7 को ले लिया, तो अब यहां पे बना क्या, 13 का स्क्वायर बना, 1, 6, 9 किया तो 13 का स्क्वायर बना, 1, 9, 6 किया तो 14 का स्क्वायर बना, 9, 6, 1 किया तो 31 का स्क्वायर बना। जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो, थैंक यू सो मच, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो, मुझे बता दो मजा आ रही है कि मजा आ रही है कि नहीं, बहुत ही शानदार, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा। हाउ मेनी सच अ नंबर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएट फॉलोड बाय अ वॉवेल। याद रखना जिनके पहले कॉन्सोनेंट हो और बाद में वॉवेल, पहले कॉन्सोनेंट हो बाद में वॉवेल हो, जल्दी से सोचो क्या होगा, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दो यार, जल्दी से 400 पार करो यार, 380 पे मजा नहीं आ रहा यार, जल्दी से 400 पार करो और मुझे बताओ। ज्योति नगल बहुत ही बढ़िया, आंचल बनवारी बंदरी भंडारी 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 सॉरी सॉरी यहां दूर लैपटॉप रखा है, आई एम रियली सॉरी। प्रिया पलक और दीपिका शर्मा बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब जरा देखो कैसे करेंगे, अब यहां देखो कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी इसमें से ऐसा नहीं है जिसके तुरंत पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो बाद में वॉवेल हो, किसी को भी देख लो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट और बाद में वॉवेल हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट और बाद में वॉवेल हो, एक भी ऐसा नहीं है। कहां पे एक ऐसा दिख रहा है, तुम लोग झूठे गोली चलाते हो क्या, अंधी गोली चलाते हो, लह जाए तो लह जाए, जय जय सीताराम, है ना दोस्तों। एक बात याद रखना कि मैं हर दिन 8 से 9 आपको हर रोज आईबीपीएस क्लर्क का बैच ये पढ़ाऊंगा, हर दिन 8 से 9 में आऊंगा, एकदम शुरू से रीजनिंग का आगाज कर रहा हूं मैं, एकदम शुरू से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बात याद रखना, एकदम शुरू से ये चीजें चल रही हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज में बात करेंगे। और 50 दिन बाद आपका पेपर है, याद रखना 50 दिन की स्ट्रेटेजी है, इस 50 दिन में अगर तुम्हारे मुंह से ये ना कबुलवा दिया कि भगवान कसम सर मजा आ गई एकदम, तो ये मेरी जिम्मेदारी, इतने तरीके समझाऊंगा कि अभी तक पूरा YouTube चैनल छांट डालना, किसी भी YouTube चैनल पे जाना और देखना तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कहां कहां से क्या क्या खोज के कोहिनूर निकालता है कि, और इतनी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन, डेटा इज नॉट सफिशिएंट, नन फॉलो, नन इज ट्रू, नन ऑफ दिस कैसे होता है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं तुमको, प्रॉमिस करता हूं। तो जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा देना, लाइक एंड शेयर कर देना, और इस कोड का इस्तेमाल करके बेटवा कुछ भी खरीद लो अड्डा के स्टोर पे, अड्डा के स्टोर पे कुछ भी खरीद लो, यही एक ऐसा कोड बना है इस समय 272, यानी देखो ये कोड का नाम देखो 272, केवल मेरा साथ दो तुम, 272 केवल आपको Y272 लिखना है और तुम्हारे सोच से भी परे तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया का सारा कोड एक तरफ, अतुल अवस्थी सर का कोड एक तरफ, केवल अप्लाई करना और फिर देखना कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि गजब डिस्काउंट मिल रहा है सर, अल्टीमेट चीजें हैं। तो बिल्कुल कुछ भी खरीदो, पहली बात तो मेरा मेंस का बैच है उस पर तो जल्दी से जुड़ जाना, अगर सिटिंग पजल मशीन, याद रखना जितने लोग मेरे उस पे जुड़ेंगे उनकी सिटिंग पजल मशीन सॉल्व करने की क्षमता और बाकी लोगों के मशीन पजल मशीन और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने की क्षमता में जमीन आसमान का अंतर नहीं हुआ तो मारकर छोड़ दूंगा दोस्तों, गारंटी है सिटिंग पजल का वो नायाब तरीका सिखाऊंगा। तो आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस आरआरबी मेंस और ये जो क्लर्क का मेंस, जो मेंस का पेपर है उसकी नायाब तैयारी करने के लिए तुम मेरा बैच ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना, तो सभी लोग भैया मस्त रहें, खुश रहें, ये आपका होमवर्क है एचडब्ल्यू, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, और जिसका जिसका कमेंट आ जाएगा मैं उसको अगली क्लास में उसका नाम अनाउंस करूंगा, आज मैं उनका नाम नहीं लगा पाया उसके लिए सॉरी, अगली क्लास में, अगली क्लास में याद रखना ये एचडब्ल्यू है, अगली क्लास में उनका सबका नाम दिखाऊंगा जिन्होंने आंसर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और जितना कैसे ही क्लास लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाना, और इस तरीके से अपनी प्यार मोहब्बत अपने इस भाई के लिए बना के रखना दोस्तों। Y272 कोड आपके लिए है, कुछ भी लगा के देखना, और मेरा एक मेंस का बैच है, मैं फिर बोल रहा हूं कि सिटिंग पजल, ये जो लोग मेरे साथ इस बैच में होंगे, ठीक है,
और इनके अलावा जो लोग सिटिंग पजल सॉल्व करते हैं, अगर ये जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा तो मार्कर छोड़ दूंगा, ये मेरी गारंटी है। याद रखना ऐसा नायाब तरीका बताऊंगा। तो जल्दी से लाइक शेयर ठोक दो, HW कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना, पूरे हिंदुस्तान को नाम दिखाऊंगा ऐसे कौन से बच्चे जिन्होंने आंसर किया। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रिपेयरिंग फॉर SSC एंड एग्जाम अड्डा 247 ऑलवेज आपके साथ है। याद रखना YouTube चैनल है और यहाँ पे बेल आइकॉन दबा देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहें, मस्त रहें, सलामत रहें, ऑलवेज बी हैप्पी।